राजीव भवन स्थित सभागार में उप कृषि निदेशक आर के माथुर की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसलों को लेकर के विचार विमर्श किया गया। किसानों को बताया गया कि वर्तमान समय चरी बाजरा की फसल करने का है। किसान चरी बाजरा के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बैठक में बताया गया कि किसान किस प्रकार से उन्नत खेती कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि अधिकारी ने कहा कि गोबर की खाद और केचुआ खाद से किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं तथा भूमि में शक्ति पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा खेती में दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे खेती का बंजर होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा देसी खाद जितनी हो सके उतनी ही खेती में प्रयोग करनी चाहिए। एक्चुअली कोविड के चलते बहुत लंबे अरसे से किसान दिवस का आयोजन नहीं हुआ था और किसानों की समस्याएं काफ़ी आ रही हैं। जो है अभी जायद का सीज़न चल रहा है तो किसानों को गेट टुगेदर करने के लिए अधिकारियों से क्या किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए और किस प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, इसमें साइंटिस्ट अधिकारी वगैरह सब लोग आए हुए हैं और किसान भी हैं हमारे बीच में जो है, तो अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। और अभी इस समय जो जायद का सीज़न चल रहा है जो है, इस फसल में जो उनके सामने समस्याएं आ रही हैं उस पर डिस्कशन हो रहा है और खुल के डिस्कशन हो रहा है और अच्छे से जो है उनको वैज्ञानिकों के द्वारा अधिकारियों के द्वारा सलूशन दिया जा रहा है। क्या समस्याएं हैं, जैसे अगर बात की जाए किसान क्या अभी उड़द मूंग का ज़्यादातर समय चल रहा है जो है, और प्रायः देखा गया है कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो है बहुत डाउन जा रही है जो है। किसान खाद का, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग कर करके जो है उसकी फर्टिलिटी के लेवल को बहुत डाउन कर दिया जो है, और जिसकी वजह से ज़मीन में जब ताकत नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि जब ज़मीन में उर्वरा शक्ति कम है तो आप यकीन जानिए कि उस ज़मीन की फसल भी उतनी अच्छी नहीं होगी, और वो फसल हमेशा जो है इंसेक्ट पेस्ट और जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए ससेप्टेबल रहेगी। तो यही मैसेज है, ये किसान दिवस के मार्फत किसान अपनी समस्याओं को लेके यही आए हैं कि जो है सुझाव यही दे रहे हैं कि जो है कि अपनी इसमें जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करिए, सनई ढेंचा की खाद करिए, उसमें पलटिए जो है, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद यूज करिए, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करिए, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करिए, पराली आने वाले समय में जो पराली आएगी जो है पराली को मत जलाइए। यही मैसेज जो है सरकार का जो है दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी होगा। किसान दिवस का ये उद्देश्य है कि किसानों को जो उनके ऑपरेशन में, फसल के ऑपरेशन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जो है, वो अधिकारियों और वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उनको सुलझाई जा सके।